सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और वी एन एडिटर ऐप की एक और वीडियो मैं लेके आ गया हूँ, जहाँ पे काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे ये जानने में कि हम क्या क्रिएटिव कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ चार ऐसे क्रिएटिव आइडिया शेयर करने वाला हूँ जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी रील्स पे या यूट्यूब पे, जिससे आपकी वीडियो वायरल हो सकती हैं, ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं, कुछ क्रिएटिव अगर आप करना चाहते हो। मैं अगेन टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, बट आप ये अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, आपको किसी भी डिवाइस में, आप इवन पीसी में भी अभी आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला आइडिया मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहला है मल्टीप्लाई इफेक्ट। जैसे आप देखो, मैं तीन जगह पे हूँ, दो फोटो फ्रीज हो रखी हैं। अब मैं इस पॉइंट से मूव होके अगर इस पॉइंट पे आऊँगा तो इस तरीके से आप देखोगे जो फोटो है ये जॉइन हो गई थी। अब अगर मैं तीसरे स्पॉट पे जाऊँगा, यहाँ बेंच पे, चेयर पे, तो इस तरीके से ये भी फोटो जॉइन हो गई। ये कैसे हुआ, क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है और कैसे आप वीएन एडिटर में कर सकते हो, लेट मी एक्सप्लेन। तो अब ये जो इफेक्ट है ये कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए हम चलते हैं वीएन एडिटर ऐप पे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी एक क्लिप ले ली। अब देखो, जब आप ये क्लिप शूट करोगे ना, आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस तरीके से, मान लेते हैं आप तीन पोजिशन पे करना चाहते हो, तो आपको तीन पोजिशन पे इस तरीके से चलना पड़ेगा या बैठना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मान लेते हैं मैं सेकेंड पोजिशन पे जब इस पॉइंट पे यहाँ पे आता हूँ, इस फोटो को मुझे फ्रीज करना है, तो आपको इस पॉइंट पे जाके नीचे की तरफ ना आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन मिलेगा, फ्रीज। तो जैसे ही आप फ्रीज के ऊपर क्लिक करोगे, इस तरीके की 1.50 सेकंड की एक क्लिप आ जाएगी, जो बेसिकली एक स्टिल फोटो होगी। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से मैक्सिमाइज कर लेना स्क्रीन को, और फिर आप इसको पॉज करके वापस उस पॉइंट पे ले जाके इस तरीके से एक स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट क्यों, बिकॉज इसके लिए हमें एक और एप्लीकेशन चाहिए होगी, बिकॉज अभी तक आप वीएन एडिटर ऐप में बैकग्राउंड रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप फोको ऐप यूज़ कर सकते हो, FOCO, या एंड्रॉयड iOS दोनों में है। जैसे ही आप वो ऐप ओपन करोगे, वहाँ रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इमेज को सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली वो बैकग्राउंड हटा के सिर्फ इस तरीके से मेरी ये वाली फोटो दे देगा। तो अब मैं वापस वीएन एडिटर ऐप पे आऊँगा, यहाँ से अब मैं फोटोज़ पे जाऊँगा इम्पोर्ट करने के लिए, और इस तरीके से ये वाली मेरी फोटो आ गई। अब हो सकता है साइज़ कहीं पर मैच ना करे स्क्रीनशॉट में, तो इस तरीके से आप इसको ड्रैग करके अपने हिसाब से आप पोजीशन कर सकते हो। तो मान लेते हैं कुछ इस तरीके से मेरा ओवरलैप हो रहा है अब यहाँ पे सब्जेक्ट, तो यहाँ मैंने कर दिया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला है ना, इसको मैं ड्रैग करके इस तरीके से पूरी टाइमलाइन पे पहले ले आऊँगा। अब ये जो 1.50 सेकंड वाला जो इसने स्क्रीनशॉट हमने बनाया था ना फ्रीज करके, इसको हम डिलीट कर देंगे। अब ये जो ऊपर वाली लेयर है, जो स्क्रीनशॉट है, इस ब्लू लेयर को ड्रैग करके आप इस पॉइंट तक ले आना जहाँ पे हमने कट मारा था। तो अब इस तरीके से ये देखो, अगर मैं इसको प्लेबैक करूँगा, तो यहाँ से मैं वॉक करके गया, इधर आया, और इस तरीके से ये जॉइन हो गया। इसी तरीके से आप सेकेंड पॉइंट पे भी जाके, मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा दूंगा, इसी तरीके से आप ये चीज़ क्रिएट कर सकते हो, और फाइनल आउटपुट तो आप पहले देख ही चुके हो, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब आते हैं दूसरा और काफ़ी क्रिएटिव आइडिया पे। तो अगर आप देखोगे मेरे बैकग्राउंड में कलर चेंज हो रहा है, ये दीवार सिंगल कलर की है, कलर कैसे चेंज हो रहा है, ये सब आप वीएन एडिटर में कर सकते हो, कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। बट इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप इस तरीके की कुछ इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, मे बी आप शर्ट का कलर चेंज करना चाहते हो या बैकग्राउंड का, तो कलर ऐसा चूज करना जो आपकी स्किन पे ना हो, बिकॉज येलो मैं अगर अभी करूंगा तो मेरी स्किन खराब हो सकती है, क्योंकि स्किन में येलो और ऑरेंज कलर्स होते हैं। बैकग्राउंड इजीली हो जाएगा, क्योंकि वो जो कलर है मेरी स्किन पे कहीं ना कहीं नहीं आ रहा, वॉच पे थोड़ा आ रहा है, हो सकता है उसको ले ना ले। तो अब चलते हैं वीएन एडिटर पे और मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए ना आपको क्या करना है, अपनी जो मेन लेयर है उसको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप सबसे पहला ऑप्शन है फिल्टर का, वहां आपको टैप करना है, ऊपर फिल्टर और एडजस्ट दो ऑप्शन आ रही है, आपको एडजस्ट पे जाना है, और हल्का सा आगे आप स्क्रोल करोगे ना तो आपको HSL करके एक आइकन दिखेगा, ह्यू सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस, और यहाँ पे आप सिर्फ कलर ही नहीं, आप उसका सैचुरेशन और लाइटनेस भी चेंज कर सकते हो। तो मान लेते हैं मेरे बैकग्राउंड का जो कलर है वो ये वाला है, लाइट ब्लू कलर का। अब देखो, अगर मैं ह्यू को लेफ्ट लेके जा रहा हूँ ना, बैकग्राउंड का कलर ग्रीन हो रहा है, वही अगर मैं राइट की तरफ लेके जाता जाऊँगा तो देखो डार्क ब्लू कलर हो रहा है। सिमिलरली सैचुरेशन वाले को देखो, मैं कम करूँगा तो बैकग्राउंड पूरा डिसैचुरेट हो जाएगा। तो आप सेलेक्टिव कलरिंग भी कर सकते हो वीडियो में इस तरीके से, राइट में लेके जाऊंगा तो एकदम पूरा नीला बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, और वही लाइटनेस मतलब ब्राइटनेस कलर की, तो जितना कम करूंगा तो मैं बैकग्राउंड को डार्क भी कर सकता हूं, राइट में ले जाके ब्राइट भी कर सकता हूं। तो ये तीनों पैरामीटर्स हैं जो आप कर सकते हो, डिपेंडिंग आप कौन से कलर को क्या चीज़ चेंज करना चाह रहे हो। मान लेते हैं रेड कलर की शर्ट मैंने पहनी है, मैं रेड पर जाता हूँ, अब देखो रेड वाली जो शर्ट है इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट ले जाके मैं उसको ऑरेंज भी बना सकता हूँ, मैं उसको पिंक भी बना सकता हूँ। अब आते हैं कि ये इफेक्ट करना कैसे है, तो पहले मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। ये जो मेन लेयर है इसको आपको सबसे पहले सेलेक्ट करके डुप्लीकेट करना है,
डुप्लीकेट करने के बाद जो सेकंड लेयर बनी है उसको आप सेलेक्ट करो, एंड में लास्ट ऑप्शन होगी फॉरवर्ड की, फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना, ऊपर की लेयर पे आ जाएगी, इसको ड्रैग करके हमें फर्स्ट लेयर के ऊपर एग्जैक्टली प्लेस कर देना है। एक और डुप्लीकेट बना दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं तीन कलर्स चेंज करूँ। तो सबसे पहले ऊपर वाली लेयर को हम ले लेंगे, फिल्टर्स पे जाएंगे, वही एडजस्ट में जाके HSL में चले जाएंगे। मान लेते हैं ब्लू कलर को मुझे ग्रीन करना है, ये करके मैं ओके कर दूंगा, तो ऊपर वाली लेयर में ग्रीन बैकग्राउंड हो गया। बीच वाली लेयर में हम वही चीज़ कर ले, तो मान लेते हैं HSL में जाके मैं इसको राइट में ले जाके एकदम डार्क ब्लू कर दूंगा, अभी दिखेगा नहीं बट मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होगा। तो हमारे पास तीन लेयर्स आ गई, तीन अलग अलग कलर्स की। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, मान लेते हैं ऊपर वाली जो लेयर है उसको हल्का सा यहाँ पे ले आओ, बीच वाली लेयर को हम इतना कर देते हैं। अब देखो, अब मैं प्लेबैक करूँगा ना, तो इस तरीके से बोलते बोलते बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है। अगर आप इस ट्रांजिशन को स्मूथ करना चाहते हो तो आप उसकी ओबेसिटी भी धीरे से कम कर सकते हो, और आपका जो बैकग्राउंड कलर चेंज है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग इफेक्ट बन सकता है। अब अगला इफेक्ट है गोस्ट इफेक्ट। तो इस तरीके से अगर आप सैम्पल में देखोगे, ये जो स्लो शटर स्पीड वाला है गोस्ट वाला इफेक्ट है, काफ़ी बार इंस्टाग्राम में मैंने फिल्टर्स यूज़ करे हैं, उसको अब आप खुद VN एडिटर ऐप में बना सकते हो। कैसे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। तो ये एक मैंने क्लिप ले लिया जहाँ पे मैं इस तरीके से वॉक कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस क्लिप को डुप्लीकेट कर लूँगा, अगेन उस लेयर को सेलेक्ट करूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा और अपनी मेन लेयर के ऊपर इस तरीके से ड्रैग करके एडजस्ट कर दूंगा। अब आपको ऊपर वाली जो लेयर है ना ब्लू कलर की, उसको सेलेक्ट करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ओपेसिटी पे आपको जाना है। ओपेसिटी क्या है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है। तो मान लेते हैं 40-50 के बीच में आइडियली आपको बढ़िया एक चीज़ मिल जाएगा। तो मान लेते हैं मैंने 46 रख दिया। अब ये करने के बाद ना आपको कुछ खास फर्क दिखेगा नहीं, आपको बस ये क्लिप को सेलेक्ट करके हल्का सा आगे ट्रैक कर देना है मेन क्लिप से। तो अगर आप यहाँ देखोगे, ये दोनों के बीच में हल्का सा गैप है। अब अगर मैं ये देखो यहाँ से प्ले करता हूँ, ये दिख रहा है स्लो शटर वाला इफेक्ट। तो ये आप इन कैमरा ना करके आप एडिटिंग में भी VN एडिटर ऐप में कर सकते हो। इसको और नेक्स्ट लेवल पे अगर आपको लेके जाना है ना, तो इसी लेयर को आप दो बार और डुप्लीकेट कर देना इस तरीके से। एक डुप्लीकेट किया, दूसरा किया। अब जो सेकंड लेयर है उसकी ओपेसिटी हम यहाँ से घटा के कर देंगे 20 के आसपास, और पहली वाली की जो ओपेसिटी है वो हम अराउंड 10 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी अब लेयर हो गई। अगेन जो सेकेंड और थर्ड लेयर है उसको थोड़ा थोड़ा आगे कर देंगे। और अब अगर मैं इसको प्लेबैक करता हूँ, और अब देखो ये कितना सही इफेक्ट लग रहा है। और इस चीज़ को आप काफ़ी क्रिएटिवली अपनी वीडियोस में, अपनी रील्स में, और इवन कुछ क्रिएटिव डॉक्यूमेंट्री या कुछ वीडियो बना रहे हो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अब आते हैं फोर्थ और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर पे। जैसे आप पिक्चर इन पिक्चर देखोगे, अभी यहाँ पे आपको एक मेन वीडियो दिख रहा है जिसके अंदर मैं छोटी सी विंडो में आ रहा हूँ। ये इफेक्ट हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं, इस वीडियो में भी हमने यूज़ किया है। ये भी आप VN एडिटर ऐप में बहुत ईजिली बना सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे। मान लेते हैं ये वाली जो वीडियो है इसको मेरे को एज अ बी रोल लगाना है, देन यहाँ लेफ्ट में मैं ऐड क्लिप पे ऐड करूँगा, स्टॉक्स पे जाएंगे, यहाँ से जो वीडियो आपको चाहिए, मान लेते हैं बोलते हुए मेरे पास ये वाली वीडियो है, तो अब इस तरीके से आपकी ये पूरी वीडियो फ्रेम में आ जाएगी। हमें इसको एक छोटी सी शेप देनी है, तो आप ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट करोगे जहाँ आप बोल रहे हो छोटी विंडो के लिए, वहाँ पे आपको एक मास्क का ऑप्शन दिखेगा नीचे की तरफ। तो जैसे ही आप मास्क के ऊपर क्लिक करोगे सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, जो शेप आपको चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। हम यूजुअली रेडियल, सर्कल इस तरीके से या रेक्टेंगुलर यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल में आप जाके ना इस तरीके से आप देखना, दो एरोज मिलेंगी राइट में और ऊपर की तरफ। तो देखो मैं राइट वाली एरो को अगर करता हूँ तो मैं विड्थ एडजस्ट कर सकता हूँ, और इस तरीके से आप मूव करके अपनी पोजिशन एडजस्ट करके इसको हाइट दे सकते हो। तो मान लेते हैं मुझे कुछ ऐसा शेप चाहिए। एज में टॉप लेफ्ट की तरफ आपको एक सी शेप का आइकन दिखेगा, इसको अगर आप सेलेक्ट करके ड्रैग करते हो ना इस तरीके से, तो ये देखो आप राउंडनेस दे सकते हो एजेस में। मान लेते हैं मुझे कुछ ऐसा चाहिए, तो देखने में थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। तो ये करने के बाद अब आप सिंपली इसको ड्रैग कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो साइज को। मान लेते हैं मैंने इस पोजीशन पे रख दिया और अब आपका इफेक्ट क्रिएट हो गया। इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मान लेते हैं आपको बॉर्डर एडजस्ट करना है। अब नॉर्मली VN एडिटर में अगर आप बॉर्डर पे जाओगे ना, वो बॉर्डर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो पूरी शेप का बॉर्डर लेता है पूरी वीडियो का। तो इसका एक जुगाड़ जो मैंने निकाला है वो ये है कि आप मेन जो लेयर है ना, जो आपकी विंडो में है, उसको सेलेक्ट करो, डुप्लीकेट कर दो। अब ऊपर वाली के नीचे जो लेयर है ना, जो सेकेंडरी लेयर है, उसको सेलेक्ट करो और हल्का सा नीचे की तरफ मूव कर दो, ताकि आप देख सको क्या चेंजेस हो रहे हैं। देन आप फिल्टर पे जाओ, फिल्टर में जाके एडजस्ट में जाओ, एक्सपोजर को एकदम नीचे ले आओ या ऊपर ले आओ, डिपेंडिंग आपको वाइट चाहिए या ब्लैक। मान लेते हैं हमें वाइट चाहिए, तो मैं एक्सपोजर पूरा फुल कर दूंगा, ब्राइटनेस पूरी फुल कर दूंगा, और यहाँ से मान लेते हैं जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी एकदम फुल कर दूंगा। तो इस तरीके से कुछ ब्राइट एक्सपोजर आपको मिल जाएगा। अब आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करना है,
हल्का सा इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो, या इवन अगर आपको पूरा बॉर्डर चाहिए तो आप कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके बॉर्डर भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये थे कुछ आइडियाज़ जो मुझे लगता है आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी रील्स, आपकी वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस को और इंटरेस्टिंग बनाने में। अब मैं चाहता हूँ वीएन एडिटर पे मुझे और काफ़ी वीडियोस बनानी है। आप कमेंट करके बताओ कि किन फीचर्स पे वीडियो आनी चाहिए, किन टूल्स पे, मैं उस पर डिटेल वीडियो ले आऊँगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।